हेलो फ्रेंड्स, आज हम पांचवी कक्षा के हिंदी विषय का हिंदी फुलवारी उस पुस्तक का मुक्तिधन ये पाठ सीखेंगे। ये मुक्तिधन पाठ जो है उस पाठ के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। 1880 का जन्म है और 1936 को उनकी मृत्यु हो गई है। और उनका जो वास्तविक नाम है वो धनपत राय था और वे वाराणसी के रहने वाले थे। मुंशी प्रेमचंद पेशे से एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक थे और स्वतंत्रता आंदोलन से भी वो जुड़े थे। 20वीं शताब्दी में सबसे बड़ा हिंदी उर्दू उपन्यासकार माना जाता है उनको। मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़ा नाम है और उनके कुछ मुख्य उपन्यास है गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन और गबन। ये बहुत अच्छे उपन्यास है। तो आइए आज हम मुक्तिधन ये पाठ सीखते हैं। एक दिन लाला दाऊदयाल कचहरी से घर लौट रहे थे। दाऊदयाल कचहरी में थे तो वो घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक मंजर देखा। क्या मंजर था? एक आदमी अपनी गाय बेचने की कोशिश कर रहा था और कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथों में रुपए रख देता, कोई उसके हाथ से गऊ का पगैया छीनने की चेष्टा करता। वो गऊ जो थी, वो गाय जो थी, मोहनी रूप की थी। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा था, गऊ की गर्दन से लगा खड़ा हुआ था। और वो जो आदमी था वो बहुत क्षुब्ध और दुखी मालूम होता था। वह करुण नेत्रों से गऊ को देखता और दिल महसूस कर रह जाता। दाऊदयाल को देखकर रिझ गए, उनको भी ये गऊ पसंद आ गई। पूछा, क्यों जी यह गऊ बेचोगे? क्या नाम है तुम्हारा? तो वो आदमी बोला, हाँ हुजूर बेचूंगा, मेरा नाम तो रहमान है। तो दाऊदयाल बोले, दूध देती है तुम्हारी गाय? रहमान बोला, हाँ हुजूर एक बेला में 3 शेर दूध देती है और इतनी सीधी है कि बच्चा भी दूह ले, मतलब दूध निकाल ले बच्चा भी, तो भी किसी को मारती नहीं। तो दाऊदयाल बोले, क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपये बताए। दाऊदयाल को 30 रुपये का माल जचा। कुछ देर तक मोल भाव होता रहा और आखिरकार 35 रुपये में सौदा तय हो गया। रहमान गऊ को लिए भारी कदमों से दाऊदयाल के पीछे चल दिया। शायद दाऊदयाल को गाय को बेचना नहीं था पर पैसों की तंगी से उसको बेचना पड़ रहा था, तो वो भारी कदमों से दाऊदयाल के पीछे चल दिया। दूसरे आदमी अभी भी घेरे हुए थे, एक 40 रुपये देने लगा पर रहमान ना माना, 35 रुपये में सौदा हो गया था। और थोड़ी दूर चलने के बाद बोला, रहमान बोला, हुजूर आप तो इसे पालेंगे ना, ये तो सब कसाई है, इनको तो मैं 50 रुपये में भी ना बेचता, मजबूरी है वरना इस घर की लक्ष्मी को कभी ना बेचता। और एक अरज हुजूर, इसे मारा पीटा न जाए। दाऊदयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। इस आदमी में कितनी सहृदयता और कितनी सहानुभूति है। यहां तो बड़े बड़े तिलकधारी महात्मा पैसों के लिए कसाईयों के हाथ गौओं को बेचते हैं, गायों को बेचते हैं। तिलकधारी महात्मा, बड़े बड़े लोग हिंदू होकर
गाय को भगवान मानकर फिर भी कसाईयों को बेचते हैं, और ये मुस्लिम होकर भी कितना सरदय है। उन्होंने घर आकर रहमान को 35 रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे, एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था, उसे जमींदार को लगान देने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति न थी। गौ तो उसे प्राणों से प्रिय थी, लेकिन विवश होकर बेचनी पड़ी। कुछ दिन बाद रहमान की माँ ने हज पर जाने की इच्छा प्रकट की, तो रहमान सोच में पड़ गया कि हज के लिए इतने पैसे कहाँ से लाऊं। हज तो सऊदी अरेबिया में है, वहाँ जाने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं। मक्का मदीना जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? आखिर हार कर पैसे ना मिलने के कारण फिर वो लाला दाऊ दयाल के पास ही जाना पड़ा, और उधार मांगने पर दाऊ दयाल बोले, तुम्हें तो मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? रहमान बोला, हाँ हुजूर। दाऊ दयाल बोला, रुपए तो दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूँ। अगर न दे पाओ तो नरमी नहीं दिखाऊंगा, बताओ कब दोगे? रहमान बोलता है, सरकार 2 साल का समय दीजिए। दाऊ दयाल, अगर 2 साल में ना दोगे तो ब्याज की दर 32 रुपये सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ बस इतना करूंगा कि दावा नहीं करूंगा तुझ पे कचहरी में। रहमान बोलता है, जो चाहे कीजिएगा हुजूर, हुजूर के हाथ में तो हूँ। रहमान घर आया और माँ के साथ हज को चल दिया। समय गुजर जाने पर दाऊ दयाल ने रहमान को बुलवाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए? लाओ रुपए कहाँ है? रहमान बोला, हुजूर बड़ी मुश्किल में हूँ। अम्मा जब से हज करके आई है तभी से बीमार पड़ी है, रात दिन उन्हीं की दवादारों में दौड़ते गुजर जाते हैं। अब की कुछ फसल भी नहीं हुजूर, फसल भी नहीं हुई हुजूर। आपकी कौड़ी कौड़ी अदा करूँगा हुजूर, साल भर की और मोहलत दीजिए। दाऊ दयाल बोले, 32 रुपये सैकड़ा ब्याज हो जाएगा। रहमान, जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान यह वादा करके घर आया तो देखा माँ का अंतिम समय आ पहुँचा था, और माँ ने बेटे को एक बार वात्सल्य की दृष्टि से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक सिधार गई। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर कफन दफन का प्रबंध किया, किंतु अभी तो दान श्राद्ध करना था, कब्र बनवानी थी, बिरादरी का खाना, कुरान का पाठ और कई संस्कार बाकी थे। इन सब के लिए रुपए कहाँ से लाऊं, उसने सोचा। अब तो लाला दाऊ दयाल भी ना देंगे, तो उसने सोचा, कौन जाने उन्हें दया आ जाए, बड़े आदमी है, 100-200 रुपये उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, और अगर धक्का देकर निकाल दिया तो। यही सब सोचते हुए वह लाला दाऊ दयाल के पास गया। वे अभी अभी कचहरी से लौटे थे और किसी बात पर झल्लाए हुए थे, गुस्से में थे। बोले, तुम क्या करने आए हो जी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? रहमान कुछ न बोल सका, डांट सुनकर उल्टे पैर लौटने लगा। फिर दाऊ दयाल को कुछ दया आ गई, उसे वापस बुलाकर बोले, कैसे आए थे, क्या कुछ काम था? रहमान, नहीं सरकार,
यूं ही सलाम करने चला आया था। दाऊदयाल बोला, बिना मतलब के कौन सलाम करता है, क्या काम है कहो। तो रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊदयाल समझ गए कि इसकी माँ मर गई है और उन्होंने रहमान को ढांढस बंधाया, उसकी सांत्वना की। वह बोला, हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की, लेकिन क्या करूं, 200 रुपए और चाहिए। यकीन कीजिए, एक एक कौड़ी अदा करूंगा। दाऊदयाल बोले, 300 तो हो गए, 200 और मांगते हो, 2 साल में 700 हो जाएंगे। रहमान गरीब परवर, अल्लाह ने चाहा तो समय से आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊदयाल ने 200 रुपए और दे दिए। खेत की हालत अनाथ बालक जैसी थी, जल और वायु अनुकूल हुए तो अनाज के ढेर लग गए, नहीं तो लहलहाते खेत भी खत्म हो जाएंगे। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन और रात को रात न समझा, खूब मेहनत की और ऐसी भूख लगी कि हाथी घुसे तो भी उसमें समा जाए। सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था भूख देखकर, मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगस्त का महीना था, रहमान खेत का मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओढ़ने को केवल एक पुरानी चादर थी, इसलिए ऊख के पत्ते जला लिए थे। ठंड लग रही थी इसलिए ऊख के पत्ते जला लिए थे। सहसा हवा का एक झोंका ऐसा आया कि जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंचे। आग लग गई, गांव के लोग बुझाने दौड़े, मगर आग के लपटे टूटते तारों की तरह खेत में एक हिस्से से उड़कर दूसरे सिरे पर जा पहुंचती थी। सारे उपाय व्यर्थ हो गए, पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया और खेत के साथ रहमान की सारी अभिलाषाएं नष्ट हो गई। परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। रहमान को दाऊदयाल के रुपयों की फिक्र सताने लगी। दूसरा साल बीत रहा था। 2-4 दिन में दाऊदयाल का आदमी आता ही होगा, उसे कैसे मुंह दिखाऊंगा, अभी इज्जत खुदा के हाथ में है। रहमान सुबह खेत के पास खड़ा अपनी बर्बादी का दृश्य देख रहा था। देखा दाऊदयाल का चपरासी आ रहा है, प्राण सूखे उसके पास। आकर चपरासी बोला, रुपए लेकर देना नहीं चाहते, समय कल पूरा हो गया, चुपचाप रुपए लेकर चलो। रहमान कांप उठा, बोला, यहाँ का हाल देख रहे हो ना, खेत पूरा जलकर राख हो गया। चपरासी, मैं यह कुछ नहीं जानता, अभी चलो, सरकार बुला रहे हैं। यह कहकर चपरासी रहमान को घसीटता हुआ ले गया। दाऊदयाल द्वार पर टहल रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों पर गिर पड़ा। दाऊदयाल, क्या सारी ऊख जल गई? रहमान, हुजूर सुन चुके हैं क्या ऊख के बारे में? सरकार, जैसे खेत में किसी ने झाड़ू लगा दी हो, यह मुसीबत ना आती तो मैं आपका कर्ज अदा कर देता हुजूर। दाऊदयाल, अब क्या इरादा है, देते हो या नालिश कर दूं? नालिश मतलब कचहरी में दावा कर दूं। तो रहमान, हुजूर मालिक है, जो चाहे करें, 2 बार वादे किए, 2 बार झूठा पड़ा, अब वादा ना करूँगा, जब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूँगा। दाऊदयाल मुस्कुरा कर बोले, इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा कौन सी है? तो रहमान बोला, यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं, सच अल्लाह जानता है। दाऊदयाल बोलता है, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। तो रहमान बोलता है, अरे हुजूर, ये कैसे समझ लूँ,
यहाँ न दूंगा तो वहाँ तो देने ही पड़ेंगे, मतलब अल्लाह के सामने जब वो ऊपर जाएगा तो वहाँ तो देने पड़ेंगे ना। दाऊदयाल बोलता है, नहीं रहमान, मैं तुम्हें आजमा रहा था, अब तुम मेरे एक पैसे के भी देनदार नहीं हो, असल में मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो, तुम्हारी गऊ मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है, दो बछड़े नफे में अलग, अगर तुमने यह गऊ कसाईयों को बेची होती, कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फ़ायदा नहीं होता। तुम एक गऊ की जान के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो तो मैं भी 400-500 माफ़ करके कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। तुमने भले ही जानकर कोई एहसान न किया हो पर असल में वह मेरे धर्म पर एहसान था, मैंने भी तुम्हें धर्म के काम के लिए ही रुपए दिए थे, बस हम तुम बराबर हो गए, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ है, जी चाहे लेते जाओ, खेती के काम आएंगे, तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की ज़रूरत हो तो ले सकते हो। रहमान को ऐसा लगा कि सामने कोई फरिश्ता खड़ा हुआ है, उसके मुंह से धन्यवाद की शब्द भी ना निकल सके, किसी तरह आंसू रोक कर बोला, हुजूर कोई इस नेकी का बदला खुदा देगा, मैं आज से अपने को आपका गुलाम समझूंगा। दाऊदयाल बोले, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं, तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके हो, अब भूल कर भी यह शब्द मुंह से ना निकालना। तो ये जो पाठ है ये बहुत अच्छा है, ये मुंशी प्रेमचंद की एक उपन्यास है, बहुत अच्छा उपन्यास है। तो ये पाठ यहीं पे ख़त्म हुआ, कल हम इससे जुड़ा स्वाध्याय देखेंगे। थैंक यू।